नमस्कार, मैं मनीष कुमार फिलहाल इसा जिले के पुठी गांव में है। एक शर्मसार कर देने वाला मामला आया है। प्राइवेट पार्ट में डंडा डालकर ने हत्या करी जावा है, तो उनकी पत्नी हमारे साथ है। पूरे गांव में दुख है इस चीज़ का। तो क्या कुछ मामला पूरा, क्यों इस वारदात को अंजाम दिया है, तो सारी बातचीत है जो उनकी पत्नी तक करांगे। क्या नाम जी आपका? रजीता। क्या कुछ मामला जी, कब की बात है? ये 23 तारीख की। क्या बात है, किस टाइम की बात है जी? किसने इस वारदात को अंजाम दिया, क्या मामला पूरा? ये जो सुबह 10 बजे से घर से गया था, कोई प्रदीप नाम का लड़के का फ़ोन आया था उसके पास। मैं तो नहीं जानती प्रदीप की, लेकिन मेरा हस्बैंड मेरे पास बैठा हुआ था। उसने फ़ोन उठा, बोला हेलो, हाँ प्रदीप, वो कह कहने जी बाहर निकल गया। तो उसके बाद वो घर पे नहीं आया, पता नहीं वो किस साजिश से बुलाया गया है घर से, क्या उसके साथ उसकी दर्दनायक हत्या की गई है गाँव के बीच में। और 3 दिन हो गए, प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा बिल्कुल भी। रात ने 10 बजे बुलाया या सुबह 10 बजे? ना जी, रात को 10 बजे। रात को 10 बजे बुलाया? हाँ, घर से बुलाया है वो प्रदीप नाम का, वो है ना प्रदीप नाम की, मैं नहीं जानती। वो प्रदीप का फोन आता, हेलो प्रदीप, मैंने अपने पति के मुख से सुना था। फिर वो पहले मेरे से बोल रहा है मैं हुक्का पीऊँ, चल ठीक है सो जाए, इतने में प्रदीप का वो बता रही जो फोन आ गया। फिर और उसकी 3 दिन हो गए जी, इतनी दर्दनायक हत्या की गई है, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। किस तरह से हत्या करी गई जी, कितने लोग शामिल हैं? कैमरे में 3-4 व्यक्ति दिख रहे हैं जी, और आरोपी जो मैंने तो देखा नहीं, प्रशासन मेरे घर तक नहीं आया है, किसको गिरफ्तार किया गया किसको नहीं। पुलिस ने कैमरे वैमरे में भी सबूत मिल गया है, मेरे पति का फोन भी गुम है, गाँव की लोकेशन दिखा रहा है, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, फोन तक नहीं मिला है मेरे पति का अब तक। और इतनी दर्दनायक हत्या की गई है, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रही। क्या कुछ हथियार था उनके पास, किस तरह से हत्या करी है? ये देखो जी, उसकी सर में बता रहे हैं, मैंने तो देखा नहीं है, पुलिस ने देखा है डेड बॉडी को, और जी कैमरे में दिखा रहे हैं जिस तरह घसराग शुरू का उसकी हत्या की गई करी है। और मैं ऐसे चुप नहीं बैठूंगी, प्रशासन पैसा खा के चुप बैठा ने, मानी लिविज कमिश्नर डीसी डीपी सब तक ऊपर तक जाऊंगी, प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। 3 दिन हो गए गांव के बीच इतनी दर्दनायक हत्या हुई है, और प्रशासन आज तक मेरे घर तक नहीं आया है, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा प्रशासन? क्या पैसे वाले हैं? पैसे से प्रशासन की जबान बंद हो गई है, कार्रवाई नहीं कर रहा, पैसे वाले ही रहेंगे। मैं अनिल विज को पेश आऊँगी, अगर प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो, प्रशासन बिल्कुल कार्रवाई नहीं कर रहा। 3 दिन हो गए आज मेरे घर तक नहीं आई है पुलिस आज तक भी। जब आपको यहाँ से बोल गए, जब फोन आया था उसके बाद क्या कुछ बोल गए थे, मैं कितनी देर में आ रहा हूँ या ये काम कर? वो हर रोज डेली हुक्का पिया करता, ये पोल्ट्री की गाड़ी चला करता जी, उसके पास फोन तो ड्राइवर क्या तेजा तेरा आ कर दे। मैंने भी सोचा कि कोई ड्राइवर दूर का फोन आ रहा है, तो मैंने इसकी कोई किसी के साथ बैर खसी रंजिश किसी के साथ ऐसा कोई व्यवहार नहीं था जी। खेत में थी, हम अकेले रहा कर दे, 9 साल मेरी शादी के हो गए हैं। और जी जिसने जो कैमरे में दिखे हैं, वो जिसने हत्या करी है उसकी बता रहे हैं, वो गांव पे भी हो चुका है, कोई वारदात उसने कर लिए है, नशा नशा भी वो बिल्कुल करता है। और उसने मेरे पति को, जैसे मेरे पति की मौत है ना, उसी मौत मारा जाए मेरी आंखों के सामने। अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं निलंबित तक जाऊंगी। क्या प्रशासन पैसे खा कैसे चुप बैठ जाएगा, क्यों कार्रवाई नहीं कर रहा, क्या पैसे वाले रहेंगे? जिस मेरा 7 साल का लड़का है, उससे पिता का साथ छीन लिया गया, मेरा मेरे बच्चे को पढ़ाने तक का ब्योत नहीं है, मेरी कोई इतनी जमीन जायदाद नहीं है मेरे पास। अगर मैं प्रशासन को पैसे फूके अपने पति को न्याय दिलवाऊं, क्या गरीब महिला अपने पति को न्याय नहीं दिलवाएगी? इसका समाधान होना चाहिए, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर रहा। मैं निल विज का पेश होऊंगी और अपने पति को न्याय दिलवाऊंगी। जिस तरह 7 साल से लड़के का पिता का साया चिना है, हमारा घर का मौजूद आदमी था, 2 बहनें हैं, मेरे ससुर भी एक्सपायर हो चुके हैं, हमारा कोई गुजारा नहीं है। किस टाइप के आदमी हो जिनके ऊपर आरोप है? मैं बहुत गुंडागर्दी कर रहे हैं जी, उस पर हैवी हो रहा है वो जिसने करा है, और उसको भाई को कहें गिरफ्तार किया गया है। मेरे को पता नहीं है कि प्रशासन ने कराया कि नहीं, प्रशासन मेरे घर तक नहीं आया है अभी, उसको गिरफ्तार कराया है उसको नहीं। मैं तो तेरे मुख से सुन ली, गांव की औरतों के मुख से सुन के कह रही हूँ, फलाना गिरफ्तार हो गया, धकड़ा गिरफ्तार हो गया, क्यों कार्रवाई नहीं कर रही प्रशासन? तो वो तो आरोपी है, उसने तो प्रशासन को पैसे खुवाए हैं, जब तक तो पुलिस मेरे घर तक नहीं आई है, क्यों नहीं आई है? मैं आगे पहुँचूंगी जब पुलिस क्या कर लेगी,
पैसा खा के ऐसे चुप बैठेगी के? मैं न्याय जरूर दिलवाऊंगी, भगवान मेरे को हिम्मत देगा, मैं अपने पति की मौत मेरे पे बदला लेने के लिए नहीं है, मैं कानून कार्रवाई चाहती हूँ, गहराई से इसकी जांच की जाए, मेरे पति की किस उससे रिंजिश में किस उससे उसकी हत्या की गई है, के कारण था, क्यों इतनी रात को वो कभी घर से बाहर नहीं गया, वो पोल्ट्री की गाड़ी चला कर था, पहले 2-3 महीने से घर पे ही था, रात ने 11 बजे भी आता, 12 बजे भी आता, रोड पर अकेला अकेला गाड़ी चला रहा, आज तक उसका किसी के साथ बैर विरोध होता तो 15-16 साल को अकेला रोड पे घूम जाएगा, तो फिर घर से बुला के साजिश है या और उनको जो न्याय मिलना चाहिए। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, एक बार बात कराएंगे। क्या नाम जी आपका? मेरा परमिल्ला जी। आप क्या लगो जी? मैं कुलदीप की काकी हूँ जी। कुलदीप काकी, हाँ। तो क्या कुछ मामला जी, पता चले होगा हमके जो लोग बताए जा रहे हैं, जो यो मारदात करी है ना, यो सुसरो मत सारे अब सुसम एक के ना फिल्म के सुल पैसा सारे नसे पते करा ये तो जी। मतलब पहला भी इस तरह के पहला भी कहां देखे, मर्डर तो किसी का ना करया नहीं था जी, यहां पर गांव में तो मर्डर तो मारा लड़के का करया है ना, हां। और बाकी कई कांड कर लिए, कोई दरवाजे में ट्रैक्टर मार लिया, कोई एक हमारे परिवार का लड़का के दोनों पा तोड़ दिए, वो बेद मरया कर दिया था, मतलब दबंग टाइप के हैं, हां। और वो गांव में गुंडागदरी घणे कर रहा है जी वो, और गांव फिर भी नहीं उसकी आवाज़ उठा रहा, ना पुलिस वाले उठा रहे जी जी। और मारी किसे उसके लिए, हमारी कोई रगस भी नहीं थी, कोई हमारी जमीन हमारे परिवार का ही नहीं, दूसरा ठोड़ा का लड़का है जी। को कहां पे बुला था फोन करके ना, घर पे बुला था या कोई और जगह बुला था? अब ना तो जी घर से बहू बताओ, हम तो गांव में रहा हाँ, ये कुलदीप यहाँ पर रहा है। मिला कहाँ पे जब सुबह देखा? मिला तो दरवाजे दौरे मिला है जी, गांव का दरवाजा है वही बंक के पास। अच्छा, उड़ा मिला है जी वहाँ, कमरे कुमरे लगे, कमरे बंक का भी लग रहा है, पड़ोसी सरपंच अजू सरपंच है उसकी गाल में कमरा लग रहा है, उस कमरे में भी पुलिस ने भी चेहरा जने के खड़ा दे दिखे हैं जी, चेहरा ने देखो क्या कहते हो, कौन कौन लोग मौजूद है उसमें, जो उसमें तो कहां है गांव से जी उड़ा मौजूद तो नहीं, पुलिस आई जी मारने में कौन कौन लोग हैं? मर्डर में तो जी हमने क्या पता, उड़ा पुलिस को पता देखे हैं, प्रशासन ने बताया तो परिवार को, परिवार का तो जी हमने पता है वो जिन्हों बरी है कोई इसमें मारा, इसने जो लैना का लड़का है विनोद नाम है और उसका भाई है एक गिरफ्तार कर रखा है, राहुल है विनोद है जी, वो दो भाई हैं मतलब एक गिरफ्तार कर रखा है, एक कर रखा है, हाँ चार भाई, हाँ चार देख रहे कमरे में चार दिखे जी। किस तरह से हत्या करी है, बांध का है, किस तरह से क्या हथियार था उनके पास जी? हमने तो क्या पता बांध की करे है, कुमार लड़के की क्या करी है, हमने तो वही दरवाजे दौर उसकी डेड बॉडी मिली है, घसड़ पा रही है। पोस्टमार्टम में कुछ आया हो? पोस्टमार्टम में तो जी लठ तो बताओ है, लठ मार रखे है, हाँ लठते यहाँ पर लठ लग रहा था जी, हाँ सिर में, हाँ प्राइवेट पार्क उसके प्राइवेट पार्ट पे भी जी बहुत दर्दनायक मौत की गई है, उसके साथ बिल्कुल गंदा सलूक किया गया है, और हमें जी प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है, हमें न्याय चलना चाहिए, हमारे पास नहीं तो जो मनसा का कोई सहा नहीं, जिसका 7 साल का लड़का है, बताओ बाहर इसका घर